भावता राजपूत समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर किया विरोध। भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़ने वाली सुशील कुमार पलाड़ा व उनके पति भंवर सिंह पलाड़ा को पार्टी द्वारा 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था। उसके बाद से राजपूत समाज द्वारा भारतीय जनता पार्टी से लगातार मांग कर रहे हैं कि पलाड़ा का निष्कासन रद्द किया जाना चाहिए। आज जिला कलेक्ट्रेट पर भावता गाँव के राजपूत समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। भावता गांव के उपसरपंच राजेंद्र सिंह राठौड़ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पलाड़ा दंपत्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय किया है, इस बात का संपूर्ण राजपूत समाज विरोध कर रहा है। राठौड़ ने चेतावनी दी है कि यदि भारतीय जनता पार्टी पलाड़ा दंपति का निष्कासन रद्द नहीं करती है तो आने वाले समय में पूरे जिले में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विरोध किया जाएगा। जो भंवर सिंह जी पलाड़ा साहब इस जिला प्रमुख के हकदार थे, तो पहले तो उनके साथ अन्याय हुआ कि उनको टिकट नहीं दिया गया। फिर उसके बाद उन्होंने कैसे जैसे संघर्ष करके अपनी सीट पे वो जिला प्रमुख बने और उनके बाद उनको पार्टी ने निकाल दिया गया, तो उसके विरोध में संपूर्ण राजपूत समाज इसका विरोध करता है। संपूर्ण जाति के लोग भी हैं और एक बीजेपी का भावता अजमेर जिले में सबसे बड़ा गांव राजपूतों का आता है और इसमें बीजेपी बाहुल्य गांव है ये, तो ये पूरे गांव के लोग हैं और ये जो पलाड़ा साहब के साथ जो अन्याय हुआ है इसके लिए संपूर्ण समाज और संपूर्ण गाँव इस बीजेपी से निष्कासित मानते हैं, निष्कासित होते हैं जब तक पलाड़ा साहब को इसके लिए न्याय नहीं मिलता है। ये रोष भावता तक है या जिले तक जाएगा? ये तो वैसे पूरे जिले तक जाएगा परंतु भावता में ज्यादा रोष व्याप्त है इसके लिए। आपका नाम बता दो। राजेंद्र सिंह राठौड़, उप सरपंच ग्राम पंचायत भावता। और सिंह जी पलाड़ा युवा नेता को जो बीजेपी से निष्कासित किया है उसका हम घोर विरोध करते हैं। पूरा राजपूत समाज भावता से आए। अच्छा अच्छा, कहाँ तक ले जाएंगे इसको? ये तो बहुत दो दिन का भी चलेगा जब तक पार्टी इनको वापस नहीं। आप क्या करने आए हो? हाँ, उनके समर्थन में आए हैं। भंवर सिंह जी पलाड़ा के समर्थन में आए हैं, विरोध जताने के लिए आए हैं। हाँ, नाम बता दें। आपका नाम बता। मेरा नाम राजेंद्र सिंह राठौड़।